ये कि हमारे साथ हुआ और लोग के साथ नहीं होना चाहिए, जो किया वो सामने आना चाहिए, जो साथ में होना चाहिए। और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है एक्सीडेंट का, कोई मदद नहीं की मेरी, वो लोग खाली हमारा टाइम तोड़े, भिवंडी के लोग कोई मदद नहीं की हमारी। हम इंसाफ चाहते, मेरा लड़के कैसे गया वहाँ तक, कैसे हुआ ये हम चाहते, मेरा लड़के इंसाफ मिले, मेरे कसूर की क्या गलती थी। मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। मेरे बच्चों को न्याय नहीं मिल रहा है, मेरे बच्चों का अपहरण होकर हत्या हुई है, और समरूबाग भिवंडी से 22 तारीख छठवा महीना 2020 को मारे थे, उनको मालूम पड़ा तो उन लोग 7 तारीख आठवा महीना 2020 4:24 दुकान पर हमला किए, और हम लोग पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ पुलिस ने 7 तारीख आठवा महीना 2020 कोई FIR कोई NC नहीं लिया, उन लोग के 2-3 घंटा बैठाया, छोड़ दिया। मेरा लड़का आता है दुकान पर 7:45, 10 मिनट घर पे बोल के घर से आता हूँ, घर से वो आया नहीं, और वैसे नीचे से लापता हूँ। हाँ, वो मोहल्ले में दुश्मनी है, जिसमें अहमद है और दानिश है और अबू तलहा है और इकबाल शेख है, अबू जर है, ये सब मैंने लिखत पुलिस को दिया हूँ आरोपियों को नाम, और ए टीम बी टीम मिल काम किए, अपहरण भिवंडी से सबरूबाग से किए, और उसकी बॉडी हॉस्पिटल में वहाँ बी टीम मोगरा वाले मिल के काम किए, 2 टीम काम किए। अब पुलिस ने स्टेटमेंट के लिए हमको बुलाती है तो हम स्टेटमेंट अपहरण हत्या देते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जाहिल हूँ, तो वो उसको लिखते हैं कि सहमति, मतलब आरोपियों को बाइज्जत बरी कर रहे हैं कलवा के मुंडे और भिवंडी के लोमती मैडम, ये केस को ख़राब कर दिए, हमारे बच्चों को अपहरण हत्या का एक्सीडेंट केस बनाए। मैं SCP से मुलाकात किया, 1 नंबर 2 नंबर DCP से मुलाकात किया, मैं कमिश्नर से मुलाकात किया, बस खाली आश्वासन, बाकी कोई काम उन लोग ने न्याय के लिए नहीं किया। मेरा गृह मंत्री को लेटर दिया, मुख्यमंत्री को लेटर दिया हमने, मगर कोई काम नहीं हुआ। गृह मंत्री आर्डर भी किया, जो वो पहले गृह मंत्री था, तो कमिश्नर ने उसी मुंडे को भेज दिया, रईस शेख को भी दिया, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? कोई, किसी ने हमको बुलाया नहीं, किसी ने आपको कोई जी नहीं बुलाया। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, कि हमारे साथ हुआ और लोग के साथ नहीं होना चाहिए, जो किया वो सामने आना चाहिए, जो साथ में होना चाहिए। और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है एक्सीडेंट का, कोई ना वो गड्ढा दिखा पाए हमको आज तक, वहाँ गड्ढा नहीं, और मेडिकल रिपोर्ट पे सीधा मार का है, उनके पास कोई सबूत नहीं, जितना हमने मांगा दिए नहीं, नाम भी ले रहा है पद, इसलिए मैं छोड़ा कि उन लोग हमारी मदद नहीं की, आज मदद करते तो मैं आप लोग की जरूरत क्यों पड़ती, मेरे को कोई मदद नहीं की मेरी, वो लोग खाली हमारा टाइम तोड़े, भिवंडी के लोग कोई मदद नहीं की हमारी, अगर मदद करते तो आप लोग की मदद में जरूरत नहीं पड़ती ना। शमशीर जहाँ, मेरा लड़का 8 बजे आया घर में, तो उसको मेरी लड़की बोलती भाई खाना खा ले, बोलता है कि मैं अभी खाता हूँ, उतने में फ़ोन उसका आया, बोलता निजामुद्दीन इधर आ, 2 मिनट काम है, और मेरी लड़की आवाज़ देती रही, बोलते आ रहा हूँ 5 मिनट में, आया तब आया नहीं, 8:45 हम लोग को फ़ोन आ रहा है कि मुमरा टून लाके पे आओ, एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ हम लोग पहुँचे तो एकदम खाली कोई नहीं, फिर फ़ोन आ रहा है कि फला हॉस्पिटल में आओ, तो वहाँ हम लोग पहुँचे तो मेरा लड़का बहुत काफ़ी तड़प रहा था, वहाँ से डॉक्टर कुछ नहीं किया था, फिर वहाँ से हम लोग दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ जो दूसरे दिन उसको होश आया है और उतना जोर जोर चिल्ला रहा सबका नाम लेके, क्यों मार रहा बे, क्यों मार रहा, बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा, और लोग पूरा सबका नाम ले रहा है लड़का मेरा, मेरे लड़के के मोबाइल पर फ़ोन आया है। उसके बाद आपने उसका कोई कॉल रिकॉर्ड कुछ निकाले थे? वो लोग पुलिस में दिए लेकिन कोई कुछ किया नहीं, कोई कार्रवाई नहीं बताई, सब मैं वहाँ भी बयान दी मगर कोई कुछ नहीं किया, खाली टाइम पूछ वो लोग रह गए। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये इंसाफ चाहते, मेरा लड़के कैसे गया वहाँ तक, कैसे हुआ ये हम चाहते, मेरा लड़के इंसाफ मिले, मेरे कसूर की क्या गलती थी उसकी। मैं नसीम शेख, बहुजन समाज पार्टी प्रभारी, भिवंडी शहर जिला। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे पीड़ित परिवार के साथ आप खड़े हैं। ये मरहूम निज़ामुद्दीन गुड्डू अंसारी, ये इनका ये मर्डर हुआ या अपहरण हुआ, लेकिन ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे, और ये लड़का जो है, ये जो लड़का आपको दिख रहा है, ये राष्ट्रवादी में था, और इसी का मर्डर हुआ, अपहरण हुआ, क्या हुआ इसके बारे में
मुझे गुड्डू अंसारी ने एक लेटर दिया बहुजन समाज पार्टी के नाम से, कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और मुझे न्याय चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर से लड़का गया, भोईवाड़ा सेक्शन अंडर आता है और वहाँ उसकी लाश मिलती है खारे गांव टूल प्लाजा, मुमरा टूल प्लाजा के पास, जबकि वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह रहती है लेकिन किसी का उपयोग नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मैं जानकारी हासिल जैसे किया तो उसमें मार बता रहा है, पुलिस ने कहीं ना कहीं पुलिस चूकी की है और इनको न्याय मिलना चाहिए। पुलिस फिर से वापस जांच चालू करे, यहाँ तक कि सीबीआई जांच चालू हो। लेकिन मैं माननीय उदय ठाकरे साहब जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप एक बहुत अच्छे पार्टी को चला रहे हैं और बड़े पद पे हैं, इन्होंने आपको भी लेटर दिया है, आप इनको न्याय देने का काम करेंगे। दिलीप वलसे पाटिल साहब गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा इनको न्याय मिले। और मुमरा के जितेंद्र अहवाल साहब हैं, मंत्री महोदय हैं, इनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसी के साथ संविधान है इस देश का और संविधान के मुताबिक इनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलाने में मैं समझता हूँ कि ये सक्षम होंगे, नहीं तो संविधान के जरिए न्याय जरूर इनको मिलेगा। यहाँ के जो है डीसीपी साहब हैं, बहुत अच्छा ही काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे इनको न्याय मिलेगा और नहीं इस भारत का संविधान है न्याय देने के लिए। आप देख रहे हैं सत्य आज तक हमेशा सच।